बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप देख रहे हैं और न्यूज़ एट नाइन का वक्त हुआ है, तो मैं आपके सामने आया हूँ रोज़ की तरह। अब मुझे आपके सामने आते हुए तकरीबन, मुझे सही एग्जैक्ट तो याद है लेकिन 26-25 दिन तो हो गए हैं कि मैं मुसलसल आपके सामने आ रहा हूँ। और इसकी वजह है आपका से मिलने वाली पजीराई, आपसे मिलने वाली हौसला अफजाई और आपसे मिलने वाले कॉमेंट्स और शेयर एंड लाइक्स, यू नो आप जो करते हैं उससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है। तो आज का बुलेटिन मैं शुरू करूंगा। आज के बुलेटिन में खबरें तादाद के हिसाब से तो कम हैं, यू नो शॉर्ट स्टोरीज भी कम हैं और जो मेन स्टोरी है वो भी ज़रा कम है, लेकिन एक हाईलाइट है आज के बुलेटिन की। एक हाईलाइट है, वो है मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर थे और वो 2010 के बाद से नहीं खेले। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ, इंग्लैंड में उनको जेल हुई और उसके बाद वो वापस तो आए लेकिन डोमेस्टिक तक ही रहे। लेकिन उनके जो कमाल उनके हाथों में था ना, वो आज भी लोग याद करते हैं। तो कल जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा, एक बॉल तो उनकी ऐसे उनके हाथ से निकली थी जैसे आसिफ के हाथ से निकलती थी। तो इस हवाले से मैंने आसिफ से बात की है, उन्होंने हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को बिल्कुल एक तरह से डिफाइन कर दिया कि वो ये कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा। तो आसिफ हमारे आज के प्रोग्राम की हाईलाइट है मैं समझता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरा, पाकिस्तान टीम के मामलात हैं, ज़रा सी गंभीर सूरत हाल है, ज़रा सी परेशान कुन सूरत हाल है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा डेविड वाइट आ गए हैं वर्ल्ड ILT20 के बड़े अहदे पर आ गए हैं, तो वो कौन है और क्या कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब पहुँच चुके हैं बाकू, ये भी बात करूँगा। ये छोटी छोटी आज खबरें हैं, ज़्यादा आज इतनी खबरें हैं नहीं। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच होगा कल और ये मैच बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए। दोनों में से जो भी टीम जीतती है वो भारत के ख़िलाफ़ 17 को एशिया कप का फाइनल खेलेगी। भारतीय टीम कल पहुंच गई, कल जब श्रीलंका को उसने शिकस्त दी तो वो पहुँच गई। और उसके अलावा पाकिस्तान टीम की जो परेशानी है वो इंजरीज़ की परेशानी तो एक तरफ, बाकी फॉर्म की भी परेशानी पाकिस्तान को है। इंजरीज़ को लेकर नसीम शाह बाहर हुए थे पिछले मैच में, पूरे अपने ओवर्स वो नहीं करा पाए। तो नसीम के कंधे में चोट है, कंधे में ज़ख्मी है वो, और डॉक्टर जो सुहेल सलीम है पाकिस्तान टीम के, उनके मुताबिक वो काफ़ी अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि नसीम शाह इज़ ऑफ कोर्स एन एसेट। नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी है और भी लोग हैं, दे आर दी एसेट्स ऑफ पाकिस्तान, बड़े बड़े मुस्तरद खिलाड़ी हैं। तो इनका होना टीम के लिए वर्ल्ड कप में बहुत अहम है, तो इसको नज़र में रखते हुए उनको आराम दिया गया। नसीम शाह नहीं खेलेंगे। तो जब हम ये बात कर रहे हैं, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की 11 का भी ऐलान हो गया जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलेगी कल का इम्पोर्टेंट मैच। उसमें तब्दीलियाँ हैं, जफर जमान ड्रॉप कर दिए गए हैं, उनकी जगह मोहम्मद हारिस आए हैं, वसीम जूनियर आए हैं नसीम शाह की जगह कह लें या हारिस रऊफ की जगह कह लें। हारिस रऊफ और नसीम शाह दोनों बाहर हैं, उनकी जगह वसीम जूनियर खेलेंगे और उसके अलावा जमान, उसके अलावा सऊद शकील भी इसको टीम का हिस्सा है। तो एक टीम ऐसी अनाउंस पाकिस्तान ने कर दी है जो बहुत तब्दील है, बहुत ज़्यादा तब्दील है, तो फोर्स तब्दीलियाँ हैं कुछ। और ये पाकिस्तान के लिए मैं कह रहा था ना, जैसे कि द डिफीट एट द हैंड्स ऑफ इंडिया वॉज बेसिकली अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज़ टू यू नो डू अकॉर्डिंगली टू मूव फॉरवर्ड फ्राम हेयर, बिकॉज वर्ल्ड कप और एशिया कप में बहुत मामूली सा फ़र्क है, मतलब फ़र्क से मुराद गैप की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मामूली सा है। तो गुड लक टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दूसरी रिप्लेसमेंट थी शाहनवाज़ धानी, उनके पास वीज़ा अभी तक नहीं है श्रीलंका का, इसलिए वो अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं और वीज़ा मिलते ही वो पहली दस्तयाब फ़्लाइट से आ जाएंगे। और हारिस रऊफ के हवाले से अपडेट ये दी है डॉक्टर सुहेल सलीम ने, जो PCB टीम के डॉक्टर हैं, कि वो तेज़ी से रूबे सेहत हो रहे हैं, तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं, उनको एहतियात से इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं जी मोहम्मद आसिफ की तरफ, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और दुनिया भर में उनका नाम है, जिस तरह से वो स्विंग बॉलिंग किया करते थे वो कमाल है, आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। आप बैट्समैन गिन लीजिए, बड़े बड़े बैट्समैन उनका नाम लेते हैं, कि वो आसिफ की बॉलें थी जिन पर वो तंग होते थे और ज़रा सोच विचार करना पड़ता था उनको, बहुत सारे बल्लेबाजों को उन्होंने तिगनी का नाश नचाया। तो आसिफ से मैंने बात की, हवाला ये था कि हार्दिक पांड्या की कल बॉलिंग जो मैंने देखी, मुझे दो हवालों से बहुत अच्छा लगा वो।
एक तो उसके हाथ से जब गेंद निकलता था तो वॉबल करता हुआ निकलता था, ये मोहम्मद आसिफ का खासा रहा। आसिफ इस तरह से बॉल करते थे, और दूसरा जिस तरह से गेंद गिरने के बाद अंदर आता था, कल पांड्या का हम देख रहे थे, बाबर आजम को उसने आउट किया पिछले मैच में, तो हमने देखा कि उसमें वो क्वालिटी नजर आई। आई एम नॉट ड्रॉइंग एनी कंपैरिजन व्हाटसोएवर, ये बात क्लियर हो जाए पहले। लेकिन आसिफ से मेरी बात होती रहती तो मैंने उससे पूछ लिया कि पांड्या आपको कैसा लगा, क्या वजह बनी पांड्या की इस तरह से मूवमेंट मिलने की, और उसकी जो बॉलिंग क्वालिटी है वो कैसी है। तो उस पर आसिफ ने जो कहा वो सुनिए। वो मैंने भी देखा उसको, थोड़ा सा श्रीलंका में जो पिचेस जिस वक्त बारिश हो रही है तो पिचेस हुई हैं थोड़ी सी स्पंची टाइप ना, तो जो नया बॉल होता है ना, जो बॉल समटाइम्स लग के कट ऑन हो जाता है, तो उसका बॉल हुए हैं कट वो, मगर वो इन पिचेस पे ज़्यादा होते हैं स्पंची, वो समटाइम होते हैं, मगर वो मेरा नहीं ख्याल कि उसने पहले भी कोई बॉल ऐसे किए हुए हैं। तो थोड़ा सा जब पिच थोड़ा सा जिसमें सॉफ्ट होता है ना, उसमें ये बॉल अक्सर हो जाता बॉलर से, मगर उसने कंटिन्यूसली थोड़ी कर रहा, वो तो एक अच्छा बॉल हुआ है तो पड़ गया अच्छा, और उसको ये कमरा क्या बोलेंगे वो पिच का कमाल कह सकते हैं उसका, तो वो जिस तरह वो बॉलर है उसका तो आपको पता ही है। तो ये थे मोहम्मद आसिफ, जिनका कहना ये है कि पिच ऐसी थी, पिच थोड़ी नरम थी जिसकी वजह से बॉल ग्रिप कर रहा था और पांड्या को मदद मिल रही थी। पांड्या आसिफ के मुताबिक को इतने थ्रेटनिंग बॉलर उनको लगते नहीं है। तो खैर ये आसिफ का कहना था, आप क्या कहते हैं इस हवाले से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आगे चलता हूँ, एक खबर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से भी है। पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम जो जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ कल तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेलेगी सीरीज़ का, उसके लिए आज टीम मैदान में आई नेशनल स्टेडियम कराची में, और प्रैक्टिस उन्होंने की भरपूर प्रैक्टिस की, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 2-0 डाउन है सीरीज़ में, जो कि ऐसी लीड है जो उसको पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले ही जीत चुकी है वनडे सीरीज़। अब देखना ये कि क्लीन स्वीप होता है कि नहीं, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा कल तक का, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इससे पहले जो T20 सीरीज़ है वो 3-0 जीत चुकी है। अब बात कर लेते हैं हम डेविड वाइट साहब की। डेविड वाइट साहब कौन है, ये शॉर्ट स्टोरीज का सिलसिला है, दो शॉर्ट स्टोरीज हैं। डेविड वाइट वर्ल्ड ILT20 के CEO मुकर्रर हो गए हैं। ILT20 बेसिकली इज़ अ T20 कॉम्पिटिशन ओन बाय द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, और इनका ताल्लुक, डेविड वाइट का ताल्लुक है न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, और ये दुबई में ही बेस्ड होंगे अब क्योंकि इनको जॉब मिली है ILT20 में। आखिरी खबर की तरफ आते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब असगर अजीम साहब बाकू पहुँचे हैं। असगर अजीम साहब बाकू में कर क्या रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान का एक 10 रुकनी वक्त गया है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का 10 रुकनी वक्त गया है, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया असगर अजीम साहब ने, और ये यकीनन उसकी क्यादत कर रहे हैं, और इस वक्त को बुलाया है आज़रबाईजान स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने, और उसकी दावत पर ये आए हैं डिजिटल ट्रेनिंग के सेमिनार्स अटेंड करने। डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी या डिजिटल ट्रेनिंग पर बातचीत होगी। तो असगर अजीम साहब वहाँ पहुँचे, असगर अजीम साहब बहुत मुतहरिक आदमी है भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन में। इससे पहले ये सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं 8 साल, और बड़े फाल आदमी। तो ये था आज का न्यूज़ एट 9। पसंद आया आपको तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जब हम ये बात कर रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान की 11 का भी ऐलान हो गया जो श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी कल का इम्पोर्टेंट मैच, उसमें तब्दीलियां हैं, जफर जमान ड्रॉप कर दिए गए हैं, उनकी जगह मोहम्मद हारिस आए हैं, वसीम जूनियर आए हैं, नसीम शाह की जगह कह लें या हारिस रऊफ़ की जगह कह लें, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह दोनों बाहर हैं, उनकी जगह वसीम जूनियर खेलेंगे, और उसके अलावा मोहम्मद जमान, उसके अलावा सऊद शकील भी इसको टीम का हिस्सा है। तो एक टीम ऐसी अनाउंस पाकिस्तान ने कर दी है जो बहुत तब्दील है, बहुत ज़्यादा तब्दील है, तो फोर्स तब्दीलियाँ हैं कुछ, और ये पाकिस्तान के लिए, मैं कह रहा था ना जैसे कि द डिफीट एट द हैंड्स ऑफ इंडिया वाज बेसिकली अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज़ टू डू अकॉर्डिंगली टू मूव फॉरवर्ड फ्राम हेयर, बिकॉज वर्ल्ड कप और एशिया कप में बहुत मामूली सा फ़र्क है, मतलब फ़र्क से मुराद गैप की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मामूली सा है। तो गुड लक टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम।